मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूँ करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 23 अगस्त। सो बात करते हैं आज के वीडियो की एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। NHI ने कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया है? विच मोबाइल ऐप इज डिवेलप्ड बाई NHAI? सो ऑप्शन आर ई रक्षाबंधन ऐप, निगाह ऐप, हरित पथ और क्रोमो जॉब्स ऐप। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द हरित पाथ। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। ई रक्षाबंधन ऐप आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि छोटे बच्चों और जो वुमेंस हैं उनको साइबर क्राइम से बचाने के लिए इस ऐप का लॉन्च किया गया। निगाह ऐप भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया कि वहाँ पर जो इलेक्शन होते हैं उनमें कोई भी करप्शन नहीं हो, कोई धोखाधड़ी नहीं हो, उसके लिए ऐप लॉन्च किया गया। फिर क्रोमा जॉब्स ऐप गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया, जिससे COVID-19 के दौरान जिन लोगों की जॉब गई है या फिर जो जॉब को सर्च कर रहे हैं वो इस ऐप के थ्रू जॉब को सर्च कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हरित पथ की और NHAI के बारे में। हरित पथ बेसिकली जो भी हमारे देश में नेशनल हाईवे बन रहे हैं उनके चारों तरफ कुछ ना कुछ हरियाली होगी, जैसे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, उसके लिए पर्टिकुलर एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम हरित पथ है। इस ऐप के थ्रू आप पर्टिकुलर जो भी प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है उसकी लोकेशन, उसकी क्या ग्रोथ हुई है, उसमें क्या डिटेल है, उसकी उसकी मेंटेनेंस एक्टिविटी क्या चल रही है, अभी NHAI का क्या टारगेट है उस और उसने क्या अचीवमेंट कर लिया है, ये सारी चीज़ें आप हरित पथ ऐप के थ्रू देख सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हरित पाथ के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर बात करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका फॉर्मेशन 1995 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर द्वारका न्यू दिल्ली में, इसके चेयरमैन सुखबीर सिंह संधू है। NHAI हमारे देश का पहला कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जो डिजिटल हुआ है कम्प्लीट। फिर बात करते हैं इन्होंने एक डैशबोर्ड भी लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप ढाबाज और रिपेयर शॉप की जानकारी ले सकते हैं, उनकी लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ भूमि राशि पोर्टल भी इन्होंने लॉन्च किया है और अभी रिसेंटली 13 नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट का स्टोन फाउंडेशन रखा गया है, कहाँ पर? मणिपुर के अंदर। ये था हरित पथ और NHAI के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, PM स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? विच स्टेट ऑन टॉप इन इम्प्लीमेंटिंग PM स्वनिधि स्कीम? सो ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द मध्य प्रदेश। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश, सो इसकी कल ही अपनों ने बात की थी कि नई इलेक्ट्रॉनिक स्कीम लॉन्च की गई है। छत्तीसगढ़ जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है 2020 में, उसमें फर्स्ट पोजीशन है स्टेट के मामले में। सिटी के मामले में इंदौर और यहीं से एक पर्सन थे राहत इंदौरी, ध्यान रखिएगा। राजस्थान ने अभी हाल ही में इंदिरा रसोई स्कीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश और PM स्वनिधि स्कीम के बारे में। सबसे पहले जो PM स्वनिधि स्कीम है इसका जो फुल नेम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, इसका पूरा नाम है। इसका जो लॉन्च किया गया था 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया, और इस स्कीम के तहत जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं गलियों के किनारे, सड़कों के किनारे जो रेडी और ठेले वाले होते हैं उनको 10,000 रुपीज़ का एक क्रेडिट दिया जाएगा। अभी तक जो रिपोर्ट मिली है उसके अकॉर्डिंग 5 लाख पीपल्स ने इसके लिए अप्लाई किया है और अबव 1 लाख जो लोन है वो सेंशन भी हो चुके हैं। अब इसको वापस लेने का तरीका यही होगा कि मंथली इंस्टॉलमेंट 1 ईयर में ये कंप्लीट वापस पे करेंगे और इस पर 7% का एनुअली चार्ज भी लिया जाएगा, जो इसको अपने इंटरेस्ट कहते हैं। यदि ये 1 साल से पहले लोन चुका दिया जाता है तो वहाँ पर उनको सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, मैप दिखाया गया इंडिया का और इंडिया के अंदर जो स्टेट दिखाया गया है MP, ये वाला जो पोर्शन है मध्य प्रदेश शो किया गया है। मध्य प्रदेश के साथ
इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स की बाउंड्री टच होती है, जिसमें फर्स्ट राजस्थान हो, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड यूपी, ये कुछ स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स जिनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। बाकी बात करते हैं मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है उसकी, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह जी चौहान हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है जो अभी यहाँ की बनी थी, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश का, ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। यहाँ का खेल मलखम है, एनिमल जो है बारा सिंगा, ट्री बनायन है, बर्ड दुधराज, यहाँ का फ्लोर वाइट लिली, हाईएस्ट पीक जो है यहाँ की धूपगढ़ है। बाकी के जो नेशनल पार्क की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की जो नेशनल पार्क है ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नेशनल पार्क ऑफ द MP। सो नेशनल पार्क यहाँ पर कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, वन विहार, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच, मांडल प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, ये कुछ नेशनल पार्क है जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं यहाँ पर विधानसभा की सीटों की, जो 230 है, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीट्स प्रजेंट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। अभी हाल ही में रोजगार सेतु स्कीम लॉन्च की गई है और एक स्कीम रोजगार बाजार स्कीम लॉन्च की गई है, ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लॉन्च की गई थी। फिर बात करते हैं इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक भी यहीं पर ओपन हुआ। FIR आपके द्वार योजना इस MP के द्वारा लॉन्च की गई, पंच परमेश्वर योजना भी यहां पर स्टार्ट की गई। COVID-19 के दौरान जो MP के पुलिसमैन थे उनको ऑनर करने के लिए क्रमवीर मेडल स्कीम भी लॉन्च की गई है। और दुनिया का सबसे बड़ा मेगा सोलर पावर प्लांट जिसको रीवा कहा जाता है, 750 मेगावाट का, वो भी यहीं पर ओपन हुआ है। इसके साथ साथ थैंक्स मॉम वृक्षारोपण भी यहां पे शुरू किया गया। ये जो पॉइंट है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर, इस पॉइंट पर क्वेश्चन बनने के चांस है, सो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज किसने शुरू किया, हु लॉन्चेज स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। सो ऑप्शंस आर अर्जुन सिंह मुंडा, रविशंकर प्रसाद, नरेंद्र सिंह तोमर एंड प्रकाश जावड़ेकर। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द रविशंकर प्रसाद। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, अर्जुन सिंह जी मुंडा जो कि हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी ई स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया था। नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने कृषि मेघ जो डेटा रिकवरी सेंटर है उस का लॉन्च किया था तेलंगाना हैदराबाद के अंदर जो प्रेजेंट है। प्रकाश जावड़ेकर जी ने वर्ल्ड एलिफेंट डे पर सुरक्षा नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया था। फिर बात करते हैं स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के बारे में। सो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जो चैलेंज है बेसिकली ये एक इनोवेशन सॉल्यूशन है फॉर आत्मनिर्भर भारत के लिए। इसका जो मुख्य उद्देश्य है उसको जो इन्वेंटर्स हैं, स्टार्टअप है और जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि शक्ति और वेगा नाम के जो दो माइक्रो प्रोसेसर है उनका जो यूज़ कर रहे हैं, उनको इनवाइट करने के लिए ये चैलेंज दिया गया है, जिससे कि इन दोनों माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हुए कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए नए प्रोडक्ट्स तैयार किए जा सकें। ये जो दोनों माइक्रो प्रोसेसर हैं शक्ति, ये पर्टिकुलर IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है, और जो वेगा माइक्रो प्रोसेसर है वो इंडिया के सीडेक द्वारा बनाया गया है। सीडेक का जो फुल नेम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश में संसद के स्पीकरों की 5वीं विश्व सम्मेलन आयोजित हुई, इन विच कंट्री 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट हेल्ड। ऑप्शंस आर UAE, USA, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ये बैठक आयोजित हुई। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि UAE ने अभी हाल में अपना मंगल मिशन लॉन्च किया जिसका नाम होप था, और इसके साथ साथ उन्होंने UAE जो वो अरब कंट्रीज़ है वहाँ का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट भी स्टार्ट किया है। USA की बात उन्होंने कल ही की थी कि यहाँ की एक प्राइवेट कंपनी है एप्पल, जिसकी जो मार्केट वैल्यू है $2 ट्रिलियन हो चुकी है, और ऑस्ट्रिया के अंदर IAEA का हेडक्वार्टर है, और 2005 में इस IAEA को नोबेल प्राइज़ भी मिला था पीस के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्विट्जरलैंड और यहाँ पर कुछ हेडक्वार्टर्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में। सो यहाँ पर मैप के अंदर आपको स्विट्जरलैंड
का मैप शो किया गया है। स्विट्जरलैंड के जो नेबर कंट्रीज़ हैं, फ्रांस है, जर्मन है, ऑस्ट्रिया है एंड इटली है। इसके साथ साथ जो बाकी बात करते हैं कि यहाँ की जो कैपिटल है वो बर्न, और यहाँ के प्रेसिडेंट सिमोनेटा सोमरुगा है, और यहाँ की जो करेंसी है स्विस फ्रैंक है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के अंदर डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जाता है कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर प्रेजेंट है। सो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर प्रेजेंट है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर यहीं पर प्रेजेंट है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक इंडेक्स भी जारी करता है जिसको विश्व बौद्धिक संपदा या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कहा जाता है। इस इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक जो है 14th रैंक है, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, UNCTAD का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस का और सर्न का हेडक्वार्टर भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ये तो मेन हेडक्वार्टर्स है जो यहाँ पर शो किए गए हैं। इसके अलावा डिफरेंट हेडक्वार्टर्स भी जिनेवा के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूरत में भारतीय तटरक्षक द्वारा किस इंटरसेप्टर नाव का प्रक्षेपण किया गया। विच इंटरसेप्टर बोट इज लॉन्च बाई द इंडियन कोस्ट गार्ड इन सूरत। सो ऑप्शंस आर ICGS सचेत, C-450, C-451 एंड C-454। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द C-454। अब बात करते हैं बेसिकली ये है क्या। जैसे कि ICGS की बात करते हैं तो ये है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप साचेत, और इसके साथ C-45 ये पर्टिकुलर बोट्स हैं जो कि लॉन्च की जाती है समुद्र के अंदर वहाँ की निगरानी करने के लिए। ये जो बोट है ICGS C-454 बेसिकली L&T कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। इसकी लेंथ जो है 2 मीटर की है और इसकी स्पीड 83 किलोमीटर पर हार की स्पीड है। बाकी जो ये ऑप्शन है ICGS साचेत, C-450 एंड C-451 ये पर्टिकुलर गोवा के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी हाल ही में, जो कि डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई थी वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस संगठन ने नॉट स्केलन स्वच्छता उपकरण विकसित किया। विच ऑर्गेनाइजेशन डिवेलप्ड द नॉट स्केलन सैनिटाइजेशन डिवाइस। ऑप्शंस आर इसरो, DRDO, IIT जोधपुर एंड IMD। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द DRDO। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि इसरो इनके जो चेयरमैन हैं के सिवान हैं, IIT जोधपुर अभी इन्होंने आई हब दृष्टि लॉन्च किया था, और IMD के जो चेयरमैन हैं मृत्युंजय महापात्रा जिनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर बात करते हैं DRDO की, जो DRDO है इसकी स्थापना 1958 के अंदर हुई थी और इसके जो चेयरमैन हैं सतीश रेड्डी जी हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो पास में बेल आइकन है इसको भी प्रेस कीजिए जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज़ अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमीशन। सो चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है अशोक लावासा, सुनील अरोरा, सुशील चंद्र एंड राजीव कुमार। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द राजीव कुमार। बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, अशोक लावासा जो कि अभी इलेक्शन कमीशन थे इन्होंने अभी हाल ही में रिज़ाइन कर दिया है और ये ADB के नए वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। सुनील अरोरा जी जो कि हमारे देश के 23rd नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सुशील चंद्रा इलेक्शन कमीशन है और राजीव कुमार भी इलेक्शन कमीशन है। इट मीन्स एक तो यहाँ पर चीफ मेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, बाकी के दो इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कल के क्वेश्चन की, इंदिरा रसोई योजना को किसने शुरू किया। हु लॉन्च द इंदिरा रसोई स्कीम। इसका राइट आंसर अशोक गहलोत जी। बाकी बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, विच स्टेट विल होस्ट द ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। कौन सा राज्य ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल को होस्ट करेगा। इसके ऑप्शंस आपको दिखाए गए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में देंगे। सो नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ साथ
जो कैंडिडेट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको जो भी नए वीडियोज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।